नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर रेसिपी लेकर आप सभी लोग के लिए आ गए हैं, तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा सभी को बहुत ही पसंद पड़ता है, तो आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे गाजर ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह गाजर है, तो इसके डंठल को हम चाकू से काट काट कर और यहाँ पर देखिए ले लेंगे। सभी गाजर को हमने अच्छे से छिलकर और बढ़िया से इसे धोकर ले लिए हैं। अब इसे हम ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के लिए हम इस तरह का ग्रेटर लिए हैं, आपके पास जैसा ग्रेटर हो उस पर आप ग्रेट कर सकते हैं, मोटा पतला, तो हम इसी पर ग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे गाजर को हम ग्रेट कर घिस कर ले लिए हैं। तो अब हम हलवा बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पे गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें हम घी डाल लेंगे हलवा बनाने के लिए। तो घी कढ़ाई में डाल दिए, गर्म हो चुका है, तो हम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पे काजू लिए हैं, इसे भून लेंगे। तो काजू को हल्का सुनहरा भून लेंगे। भून गया है, तो इसमें हम किशमिश भी डालकर भून लेंगे। काजू किशमिश को हम भून लिए हैं, तो इसे निकाल लेंगे घी में से। अब इसी घी में हम गाजर को रख कर भुनेंगे। घिस कर जो गाजर लिए थे इसे घी में डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। गाजर को घी में डालकर और इसे अच्छे से चलाते हुए इसे अच्छे से भुनेंगे। हम गाजर का पानी नहीं निचोड़ के लिए हैं, क्योंकि पानी निचोड़ देंगे तो गाजर का विटामिन सब निकल जाएगा। आप चाहें तो गाजर का पानी निचोड़ कर निकाल दीजिएगा, तो गाजर का पानी जल्दी सूख जाता है और हलवा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा इसे पानी सुखाने में, लेकिन हम पानी निचोड़ कर नहीं लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, गाजर को हमने 5 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया, इसके पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो अब इसमें हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे हम दूध डाल लेंगे। तो दूध को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे गाजर के हलवा में। मलाई के साथ हमने दूध लिया है, इसे अच्छे से गाजर में डालकर और इसे मिलाएंगे। और यहीं पर अब हम मीठा आवश्यकता के अनुसार चीनी ले लेंगे। आप जितना मीठा खाएँ उसी के हिसाब से बना लें गाजर का हलवा मीठा। यहीं पे हम 3 इलायची कुटकर ले लिए हैं, इसे डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से गाजर के हलवा में मिला के चलाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए हम गाजर का हलवा को बनाएंगे। इसे चलाते हुए गाजर के हलवा को हमने दूध को सुखा लिया है, तो गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा ये सूख गया है दूध इसमें, और ये अच्छा से भून भी गया। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो भून कर रखे थे, काजू और किशमिश, इसे डाल देंगे। आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे बादाम हुआ, पिस्ता बादाम हुआ, ये सब भी डाल सकते हैं। काजू किशमिश को अच्छे से हलवा में मिलाकर थोड़ा सा और इसे भून लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद खाने में। तो बनकर तैयार हो गया, अब खाने के लिए इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। फाइनली गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। एक बार आप इस तरह गाजर का हलवा बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से आप अगर गाजर का हलवा बनाते हैं तो। तो गाजर का हलवा का रेसिपी दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों गाजर का हलवा मैं अपने बेटी को टेस्ट करा के आप सभी को बताती हूँ कि किस तरह बना हुआ है। मेरी बेटी ने कहा बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।